हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चेहरे पर रात के समय पर दूध लगाने से आपके चेहरे पर क्या फ़र्क पड़ता है और ये आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है और आप इसे किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप प्रयोग करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, दूध बहुत ही गुणकारी होता है। यदि आप दूध पीते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, साथ ही स्किन के लिए भी दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, दूध का प्रयोग अगर आप अपनी स्किन के लिए करते हैं तो ये आपको किसी भी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आपकी स्किन को बचाए रखते हैं। और यदि हम बात करें चेहरे की, तो चेहरे पर यदि अनचाहे बाल हैं या अनचाही समस्याएँ जैसे कि पिम्पल्स होना या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, तो अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं तो वो भी दूर जाएगी और ये आपके चेहरे पर एक नई ग्लो और नई जान डालने में काफ़ी मदद करेगी। फ्रेंड्स, दूध को आप यदि आप रात के समय पर लगाते हैं तो ये आपके चेहरे को एक नया ग्लो देगा। रेगुलरली इसका प्रयोग करने से आपकी जो त्वचा है वो ग्लो करने लगेगी। इसके साथ ही यदि आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कालापन है या दाग धब्बे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। स्किन पर यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसे दूर करने के लिए भी आप दूध लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि आपको किस तरीके से ये प्रयोग करना है। सबसे बेहतर होता है कि कच्चे दूध का प्रयोग करना। यदि कच्चा दूध आपको आपके पास है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखकर आप उसे ठंडा कर लीजिए और फिर इसके बाद आप उसी दूध से अपने चेहरे पर रात के समय पर मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद हल्के हाथों से उंगलियों की सहायता से चेहरे पर मसाज करते रहिए। 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए और इसके बाद वैसे ही चेहरे को छोड़ दीजिए। रेगुलरली ये प्रयोग आप करेंगे तो इससे आपको फ़र्क दिखाई देगा और सुबह के समय ही आप अपने चेहरे को धोइए। इससे आपकी जो त्वचा है, चेहरे की त्वचा है, वो चमकने लगेगी और एक निखार भी आएगा। फ्रेंड्स, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप दूध को लेकर, कच्चे दूध को लेकर बर्फ़ की तरह उसे जमा लीजिए, आइस ट्रे में रखकर जमा लीजिए और फिर इसके बाद उसी आइस क्यूब की तरह उसे निकाल कर अपने चेहरे पर मलिए और फिर इसके बाद अपने चेहरे पर मसाज कीजिए और फिर पूरी रात भर उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। रेगुलर ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो हमेशा दमकता रहेगा, ग्लो करता रहेगा और आप समय से पहले जो स्किन में होने वाली समस्याएँ हैं जैसे कि पिम्पल्स, रिंकल्स या फिर समय से पहले जो चेहरा हमारा बेजान हो जाता है, बूढ़ा दिखाई देने लगता है, तो उससे भी आपको काफ़ी बचाव मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र के साथ भी अगर आप ये प्रयोग करते हैं, जिन लोगों की स्किन जो 30 के ऊपर हैं और फिर उसके बाद वो जल्दी से जवान नहीं दिखाई देते, बूढ़े दिखने लगते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रयोग काफ़ी कारगर है और हमेशा ही उनकी त्वचा जो है, स्किन जो है, वो दमकती रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।